हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकेंड फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो सेकेंड टाइप देखने जा रहे हैं, नाम क्या है इस टाइप के भी? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन और द स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन। इसके पहले हमने डिस्कस क्या करा है भी, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। एंड आफ्टर डिस्कसिंग दैट हमने क्या देखा, द टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। उसमें हमने पहला टाइप पढ़ा था क्या, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, दूसरा टाइप है, दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन। आइए देखते हैं क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन। अ स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। क्या भी एक ऐसी एंटरप्राइज क्या है, किससे बने, स्पेशल एक्ट पास करके पार्लियामेंट में, उस इंटरप्राइज को हम क्या नाम देते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं। ऐसी इंटरप्राइज को हम क्या कहते हैं, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, जिसके लिए क्या हो, एक एक्ट पास करने की जरूरत हो, कहां पर, पार्लियामेंट के अंदर। इट इज अ फुल्ली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। और इस तरह की जो इंटरप्राइज होती है, तो ये पूरी इंटरप्राइज जो आपकी दिख रही है पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये क्या होती है, फुल्ली फाइनेंस होती है। इसका जो पूरा वित्त पोषण होता है ये गवर्नमेंट जो फाइनेंस करती है, सारे पैसे इसमें कौन लगाती है, सरकार लगाती है इटसेल्फ। आगे क्या है अभी, इट्स पार एंड ऑब्जेक्ट एंड लिमिटेशन ETC आर इन द सेम एक्ट। भाई इस इंटरप्राइज के जो जो पार्स हैं, वो जो इसकी लिमिटेशंस हैं, वो साथ में क्या ऑब्जेक्टिव है, किस पर्पस से ये इंटरप्राइज बन रही है, उसका ऑब्जेक्टिव भी क्या करता है, ये एक्ट डिफाइन कर देता है। तो जो इसका एग्जिस्टिंग, जो इसका एग्जिस्टेंस कब होता है, कि स्पेशल एक्ट पास करके क्या होता है, इसका जन्म होता है, और जो जिस एक्ट से इसका जन्म होता है, यही एक्ट क्या बताता है, इसकी पावर को बताता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, और इसकी लिमिटेशंस को भी बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, SBI, LIC, FCI आर द एग्जाम्पल, एंड द ONGC आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कॉर्पोरेशन आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो क्या भाई, SBI लिख सकते हैं आप, ONGC लिख सकते हैं, FCI लिख सकते हैं, एयर इंडिया लिख सकते हैं, दीज आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशंस। यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्यूचर, व्हाट आर द थिंग्स फाउंड इन द पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं भाई पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर। द फर्स्ट एलिमेंट एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फ्यूचर, द थिंग विच इज फाउंड, इट क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बाय द सेंट्रल। ये कैसे क्रिएट होती है, इसका एग्जिस्टेंस कैसे होता है भाई, तो एक एक्ट पास करना होता है पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट में, तब जाके क्या होता है, इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो सबसे पहली चीज ये हमने लिख दी। दूसरी चीज क्या पाई जाती है भाई, द पार पार एंड ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ दिस एंटरप्राइज विल बी इन द सेम एक्ट, विल बी डिफाइंड इन द सेम एक्ट। सेम उसी एक्ट में क्या होता है, इसकी जो पार, लिमिटेशन और ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफाइन हो जाते हैं। द थर्ड पॉइंट एंड द थर्ड फीचर, द थर्ड थिंग इज फाउंड वॉट, इट ऑपरेट अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके अंदर ऑपरेट करता है भी? तो इसके पूरा इन्फ्लुएंस इसका होता है इसके ऊपर, ऐसी इंटरप्राइजेस के ऊपर टोटल इन्फ्लुएंस और जो टोटल कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। वो क्या हो सकती है, सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट क्या हो सकती है, इसमें क्या कर सकती है, इनको कंट्रोल कर सकती है इन इंटरप्राइजेस को। यस, पॉइंट फोर, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली बाई द एक्ट एंड पास इन द पार्लियामेंट, मीन्स दे आर नॉट सेम एज द गवर्नमेंट, दे आर द डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मीन्स क्या होती है, एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है। फिफ्थ थिंग इज फाउंड वॉट, इट मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, ये क्या है अभी, कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, और वो कौन नॉमिनेट करता है उन डायरेक्टर्स को, गवर्नमेंट खुद करती है। द सिक्स पॉइंट, द सिक्स पॉइंट ऑफ द फ्यूचर इज वॉट, पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड रेमुनरेशन फॉर द स्टाफ एंड एम्प्लॉइज। क्या है, जो रिक्रूटमेंट करना, जो हायरिंग होगी बंदों की, वो कौन करेगी, ये कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जाम्पल ONGC खुद करेगी, अपनी वैकेंसीज निकालेगी, भर्ती करेगी, और जो भी सैलरीज एंड वेजेस का मामला होगा टर्म, वो खुद क्या करती है, डिसाइड करती है। इसमें कोई गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन नहीं चलता है। सेवन, सातवीं चीज क्या पाई जाती है इसके अंदर, इट इंजॉयज द एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनमी एंड इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कहते हैं कि इस पे क्या होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, सरकार की कोई क्या है, फालतू तो इंटरफेरेंस नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडी होती है, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जो इसमें कुछ क्या है, डिसीजन मेकिंग डिपेंडेंसी होती है, आजादी होती है इसमें डिसीजन से रिलेटेड। यस, एट पॉइंट, द मेन मोटिव ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन वॉज अ सर्विस टू जनरल पब्लिक। यहाँ क्या प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है इन इंटरप्राइजेस का, इन पब्लिक कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जबकि इनका जो मोटिव होता है वो क्या है, टू सर्व द जनरल पब्लिक, सुविधाएं प्रोवाइड करना, सेवा देना, किसको, जनरल पब्लिक को, जनता को। नाइन पॉइंट, द अकाउंटेबिलिटी इन द पार्लियामेंट
or the state legislature or the state assembly, it also submit its annual report on its working. कहते हैं भाई क्या है इनकी जवाबदेही होती है जनता को, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट अपनी ऑपरेशन की क्या होती है, सबमिट करनी होती है. अब साथ में क्या है भाई, डिस्कशन जब भी होगा इन कॉर्पोरेशन के बारे में पार्लियामेंट में जवाब भी देना है. यस, पॉइंट नंबर 10, तो बुक ऑफ अकाउंट जो खाते होते हैं इन पब्लिक कॉर्पोरेशन के, वो कौन चेक करता है, सबसे बड़ा ऑडिटर चेक करता है जिसे हम कंट्रोलर कहते हैं. कंट्रोलर क्या है भाई, जो ऑडिटर जनरल कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑडिटर्स प्रोफेशन में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है. ये क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है. ये चेक करता है क्या, इन कॉर्पोरेशन के बुक ऑफ अकाउंट, इन खातों को चेक करता है क्या कोई फ्रॉड कोई फॉर्जरी नहीं हो रही, सारी जो बुक ऑफ मेंटेनेंस है वो सही चल रही है कि नहीं, वो सारी बातें क्या है इंश्योर करता है कौन, कंट्रोलर इन कॉर्पोरेशन की और इंटरप्राइजेस की. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन. यस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज द अफेयर्स विद द इंडिपेंडेंस एंड द फ्लेक्सिबिलिटी. भाई क्या है यहाँ पर, जो भी क्या होता है अफेयर्स होता है इनका, ऑपरेशंस होता है और डिसीजन मेकिंग होती है, इसमें क्या होते हैं फ्री होते हैं, आजाद होते हैं, इन पर कोई गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा क्या होता है फोर्स नहीं होता है. तो इनका क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, एक फ़ायदा यहाँ पर इनके पास मेरिट है. क्विक डिसीजन, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द रेड टेपिज्म एंड देर इज लेस वर्क एंड फॉर्मेलिटीज टू बी कम्प्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन. तो एज इन केस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वहाँ क्या था बहुत सारा रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी थी, मतलब आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना है, प्लस ऑफिशियल आपके पास क्या था सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट चेन होती थी, वहाँ शुरू जाना पड़ता था कोई भी काम करने से पहले, बहुत सारे क्या होते थे हमें परमिशन और अप्रूवल चाहिए होते थे. बट यहाँ पर क्या है भाई, पब्लिक कॉर्पोरेशन में ये रेड टैपिज्म पेपर वर्क भी कम है और ब्यूरोक्रेसी वाले सिस्टम भी क्या है नहीं पाई जाती, तो इस वजह से क्या है इनका डिसीजन जो होता है क्विक होता है और जल्दी ले लेते हैं क्या निर्णय जल्दी ले लेते हैं आपका. फिर भाई मेरिट नंबर 3 क्या है, सर्विस मोटिव. यस, पब्लिक कॉर्पोरेशन आर द डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट एंड दिस इंश्योर द प्रोडक्शन टू द जनरल इंटरेस्ट. क्या भाई, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक क्या है पब्लिक को सर्व करने के लिए इंटरप्राइजेस बनाई गई हैं और ये क्या होती हैं, दे आर द अकाउंटेबल, इनको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में. तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक के इंटरेस्ट को क्या करती हैं, सेफगार्ड करती हैं. सर्विस मोटिव होता है, दिस इज द मेरिट फॉर द मेरिट ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर द जनरल पब्लिक. यस, इफिशियंसी. इफिशियंसी के अंदर क्या है भाई, द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, इट कैन प्रोवाइड द बेटर फॉर्मेलिटीज फैसिलिटीज एंड द अट्रैक्टिव टर्म सर्विसेज टू द स्टाफ एंड सिक्योर द वर्किंग ऑफ इट. के भी अच्छे स्टाफ क्या करते हैं, ये इंटरप्राइज क्या करते हैं हायर करते हैं, क्योंकि क्या है इन पे कोई गवर्नमेंट का रूल ना रेगुलेशन नहीं है, तो अपने हिसाब से वैकेंसी देना, अपने हिसाब से जो क्या होते हैं जॉब के जो जॉब्स के क्या होते हैं टर्म्स होते हैं वो अच्छे अट्रैक्टिव रखते हैं, जिससे क्या होता है इफिशियंट एम्प्लॉयर स्टाफ मिलता है, जो क्या होता है अच्छा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय मिलता है, जिससे रिजल्ट और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इजिली इंटरप्राइज का अचीव होने लगता है. यस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो इनका मैनेजमेंट होता है बेटा वो कैसा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ द बिजनेस एक्सपर्ट एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेजेस ग्रुप सच एज द लेबर एंड कंज्यूमर ऑटोमेटिकली नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. भाई इसमें क्या है, जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करता है इन इंटरप्राइजेस को, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होते हैं ऐसे ही बंदे होते हैं जो क्या है बिजनेस एक्सपर्ट है, कंज्यूमर ग्रुप्स के क्या है रिप्रेजेंटेटिव है, और लेबर क्या है लेबर ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव है. तो इसका जो मैनेजमेंट मिलता है ऐसे जो डाइवर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं उसको मैनेज ही बहुत क्या करते हैं बहुत इफिशियंटली करते हैं और रिजल्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है फेवरेबल होता है मैनेजमेंट का. यस, वी हैव कंप्लीटेड द मेरिट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट द डीमेरिट ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशंस, क्या क्या डीमेरिट्स हैं. ऑटोनॉमी ऑन द पेपर वर्क, कहते हैं कि क्या है भाई, ऑटोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली ऑन द नेम, प्रैक्टिकली द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल इन पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज विद द वर्किंग ऑफ दिस कॉर्पोरेशन. यहाँ भाई कि जो हम ऑटोनॉमस बॉडी की बात कर रहे हैं कि ये क्या करती हैं खुद से एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलाती हैं और इस पर क्या होता है, पर ये सारी बातें क्या कहती हैं पेपर पे हैं ऑन पेपर हैं, जबकि इन पे क्या होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है प्रेशर होता है इन पे, तो इंटरफेरेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं डिमेरिट बनती हैं. मतलब क्या है ऑन पेपर ही क्या है ऑटोनॉमी सिर्फ रह जाती है, बाकी देखने में क्या है गवर्नमेंट क्या करती है हस्तक्षेप करती है. Lack of initiative, the public corporation have not to face any competition and not guide to profit motive.
में कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं, सर्विस मोटिव है, तो कोई भी कंपटीशन और कंपटीटिव स्पिरिट नहीं होती है। द एम्प्लॉयज डू नॉट टेक द इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस द लॉस, द लॉसेज ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। क्या होता है अक्सर क्या होता है इन इंटरप्राइजेज में लॉस होता है क्योंकि इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं वो ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कॉम्पिटिशन नहीं दूसरी इंटरप्राइज से। अक्सर क्या होता है इसमें मोनोपोली होती है, तो इन मोनोपोली से वो क्या करते हैं इसे इंजॉय करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट वॉट द लॉस फ्रॉम दीज इंटरप्राइजेज। हमें यहाँ इन इंटरप्राइजेज से क्या होते हैं लॉस सफर करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। यस रिजिड स्ट्रक्चर, द डीमेरिट नंबर थ्री रिजिड स्ट्रक्चर, डीमेरिट नंबर थ्री रिजिड स्ट्रक्चर, द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पावर ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइंड बाय द एक्ट कैन बी amended only by the amended statutes of the act, and amending act is a time consuming and a complicated task. क्या कहते हैं भाई जो भी structure होता है उस enterprise का उस corporation का वो उसके act के अंदर जब वो pass होता है तभी क्या होता है बन जाता है, और वो structure remain constant रहता है जब तक कोई further amendment नहीं हो जाए उस act के अंदर, और amendment करने के लिए एक time चाहिए होता है अच्छा खासा, तो ये क्या होता है रिमेन क्या होता है रिजिड रहता है सेम रहता है जब तक अमेंडमेंट ना हो जाए। तो एक रिजिडिटी पाई जाती है किसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर काम करने के तरीके में, और डिफरेंट पावर्स को लेकर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर और लिमिटेशंस को लेकर वो क्या होता है रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है जब तक कोई अमेंडमेंट ना हो जाए। अनफेयर प्रैक्टिसेस, यस द दोज फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट मेनी टाइम इन Involve themselves in charging the high prices from the general public, which is really unfair for the public and against the interest of the public. And they do this because, और ये ऐसा यूँ करते हैं क्यों ये high prices इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि ये अयोग्य होते हैं, वो चीज़ों को सही से क्या करते हैं मैनेज नहीं कर पाते, फिर बाद में वो क्या करते हैं अपने सर्विसेज का क्या करते हैं प्राइस हाई चार्ज करते हैं, जिससे क्या होता है पब्लिक के इंटरेस्ट के जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के क्या है अगेंस्ट। यस सुटेबिलिटी, सो वेन द गवर्नमेंट शुड चूज सच टाइप ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये पब्लिक कॉर्पोरेशन चूज करते वक्त किस फैक्टर का ध्यान देना चाहिए। भाई गवर्नमेंट हैव थ्री ऑप्शन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनी, तो वेन दे शुड चूज दिस पब्लिक कॉर्पोरेशन कब किस सिचुएशन के लिए ये सुटेबल है, तो इसमें क्या है कुछ फैक्टर्स हैं वो देख लें। वेन पब्लिक कॉर्पोरेशन, जब हमें क्या भाई गवर्नमेंट को मोनोपोली क्या है एग्जिस्ट करनी हो किसी गुड्स को सर्विसेज को लेकर के। When required to special power, where undertaking require the special power defined by the act, तो जब क्या हो कुछ special act की जरूरत हो कुछ special powers की जरूरत हो तब उस केस में public corporations की help लीजिए। Where the undertaking require the regular grant, जब क्या हो undertakings हो क्या हो enterprises को लगातार grant की जरूरत हो उस केस में क्या हो public corporations खोले जाए setup किए जाए। Where the undertaking require the appropriate combination of the public accountability and the operational autonomy, जब आपको जनता को जवाबदेही के साथ साथ क्या चाहिए होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल ऑटोनॉमी चाहिए होती है, तो उस केस में क्या करे गवर्नमेंट पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या करे सेटअप करे खोले। तो ये फैक्टर्स हैं उसकी सुटेबिलिटी के लिए। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द होल पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन एंड द मेरिट डीमेरिट एंड फीचर्स। Thank you for listening this class.